सो हम लोग अभी तक अपने कोर्स के 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हम अपने कोर्स का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन एंड दिस इज चैप्टर 7 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर, और इसके अंदर भी हम बस कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स देखेंगे जो कि हमारी पिछली डिस्कशंस के साथ रिलेट कर रहे हैं। बट मोस्टली ये जो टॉपिक्स हैं ये आप अपने डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स के कोर्स के अंदर आप ये डिटेल में पढ़ेंगे। शुरू में प्रॉब्ली आई थिंक सेकेंड चैप्टर जो है आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन का, दैट इज अबाउट दिस डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन। सो इसको आप डिटेल में डिस्कस करेंगे इन योर नेक्स्ट कोर्स। तो जस्ट टू हैव अ क्विक रिकैप टू लिंक ऑल द यू कैन से चैप्टर दैट वी हैव डिस्कस सो फार, हमने चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशंस दोनों को हमने डिस्कस कर लिया था कि इनके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं इन डिटेल इन एज एन इंट्रोडक्टरी क्लास। और इसके अंदर हमने फोकस किया था कि इन दोनों को हम एक्सप्लेन कर दें, व्हाट आर एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम्स। और फिर हमने कहा था कि हमारा जो इस सेमेस्टर के अंदर जो कोर्स में जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन एनालॉग सिस्टम्स। सो एनालॉग कम्युनिकेशन जो है ये हमारा मेन टारगेट था इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। फिर हमने चैप्टर नंबर 2 जब स्टार्ट किया, हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर वी टॉक्ड अबाउट सिग्नल्स एंड सिग्नल स्पेस, ठीक है, जिसके द्वारा हमने सिग्नल्स को डिफाइन किया था, सिग्नल्स की क्लासिफिकेशंस हमने की थी, उनकी उनके कैरेक्टराइजेशन की थी बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। फिर हमने कुछ ऐसे टूल्स सीखे थे जिनसे हम मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने कोरिलेशन का टॉपिक जो है उसको डिस्कस किया था, हमने ऑटो कोरिलेशन को डिस्कस किया था। फिर हमने वेक्टर स्पेस की मदद से भी सिग्नल्स को डिफाइन करना सीखा था कि जिस तरह वेक्टर्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सिग्नल्स पे भी अप्लाई हो सकते हैं। वी डिस्कस्ड ऑल दोज थिंग्स इन चैप्टर नंबर 2। और हमने लास्ट में चैप्टर नंबर 2 के एक और टॉपिक जो है उसको डिस्कस किया था, दैट वाज द फोरियर सीरीज एंड एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, लाइक द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एंड एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, जो हमने बाद में इस चीज पे कंक्लूड की थी कि इट्स ऑल वैलिड फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स ओनली। फिर हमने इस चैप्टर को कंक्लूड किया था इस बात के ऊपर कि हमारे जो रियल लाइफ सिग्नल्स होते हैं दे आर ए पीरियोडिक इन नेचर। तो हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने पर्टिकुलरली फोकस किया था ए पीरियोडिक सिग्नल्स के ऊपर, और उस उनको एनालाइज करने लिए जो हमने टूल डिस्कस किया था दैट वाज द फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। हमने ये डिटेल में इन दोनों टॉपिक्स को देखा था, और हमने देखा था कि हम किस तरह ए पीरियोडिक सिग्नल्स को एनालाइज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन, और हमने उसमें वो सारी डिस्कशन जो है वो अपनी कंप्लीट की थी। सो बेसिकली यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने वो टूल्स एक्वायर कर लिए थे जो कि हमें किसी भी किस्म के ए पीरियोडिक या एक रियल लाइफ सिग्नल को एनालाइज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं टूल्स को यूज़ करके हमने अपने पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को डिज़ाइन करना है। जिस तरह हमने कोरिलेशन की बात की, कोरिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि आप रिसीवर डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर सिग्नल एनालिसिस के लिए, क्योंकि आपने जब फिल्टर डिज़ाइन करने हैं तो यू नीड टू एनालाइज द सिग्नल फर्स्ट एंड सी व्हाट इज़ योर एक्चुअल सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें कौन से ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि डिस्टॉर्शन है या कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपका एक्चुअल डिजायर्ड सिग्नल नहीं है। सो इन ऑर्डर टू डिजाइन सर्टन फिल्टर्स यू नीड टू एनालाइज योर स्पेक्ट्रा एंड सी व्हाट काइंड ऑफ सिग्नल्स यू आर एक्चुअली एक्वायरिंग। सो यू नीड टू नो व्हाट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज एंड हाउ टू एक्चुअली फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। फिर चैप्टर नंबर 3 के बाद हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था, दैट वॉज मेनली अबाउट एनालॉग कम्युनिकेशन, और इसके अंदर हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिटेल में डिस्कस किया था, और हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में उसके डिफरेंट वेरिएंट्स डिस्कस किए थे। वी स्टार्टेड ऑफ विद DSB SC, फिर उसका उसके जो जो रिसीवर डिज़ाइन है जो कि एक कोहेरेंट डिटेक्टर है हमने उसको डिस्कस किया। फिर हमने DSP
एलसी को डिस्कस किया जिसको हम फुल एएम भी कहते हैं, ठीक है। और हमने कहा था कि इसको डिटेक्ट करने के लिए यू कैन ओनली यूज एन एनवेलप डिटेक्टर अगर आपकी सर्टेन कंडीशंस मीट करती हैं। फिर हमने इसके बाद बात की थी बैंडविथ एफिशिएंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम्स की, जिसके अंदर हमने सिंगल साइड बैंड और क्वाम की टेक्निक्स को देखा था। और हमने ये कंक्लूड किया था कि ये जो दोनों स्कीम्स हैं ये बैंडविथ एफिशिएंट तो हैं, लेकिन इस केस में आपके पास जो सिंगल साइड बैंड के केस में आपको जो फिल्टर रिक्वायर्ड होता है वो इस किस्म का हो, सॉरी जो सिग्नल आपके पास हो वो इस किस्म का हो जिसके अंदर जीरो फ्रीक्वेंसी के ऊपर या लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के ऊपर आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो, बिकॉज द फिल्टर दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू यूज नीड टू बी मोर रियलिस्टिक, ठीक है। उस केस में हमने फिर एक और वेरिएंट को डिस्कस किया था, दैट वाज द वेस्टिजियल साइड बैंड। और हमने एंड पे ये बात भी की थी कि जितने भी आपके पास वेरिएंट्स हैं इन तमाम के केस में यू कैन एक्चुअली यूज कोहेरेंट डिटेक्शन टू रिकवर योर इन्फॉर्मेशन। तो कोहेरेंट डिटेक्टर तो हर जगह वैलिड है ही है, बट अदर देन दैट यू कैन यूज एनवेलप डिटेक्टर फॉर डीएसपी एलसी केस। फिर हमने सेकेंड टाइप ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन को डिस्कस किया था, एनालॉग कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था, जो कि एक चैप्टर नंबर 5 में हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को, फ्रीक्वेंसी या फेज मॉड्यूलेशन को हमने डिस्कस किया था। और इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जनरेट कैसे करते हैं, और इसी तरह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन को हम डीमॉड्यूलेट कैसे करते हैं, जिसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर की टेक्निक देखी थी, हमने जीरो जो आपका वो था जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर था उसको डिस्कस किया था, और फेज लॉक लूप को डिस्कस किया था। और इन दोनों केसेस में हम लोगों ने सुपर हेटरोडाइन रिसीवर्स को भी डिस्कस किया था कि सुपर हेटरोडाइन रिसीवर्स जो हैं उनको आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उनका फायदा क्या है। एंड वी टॉक्ड अबाउट सुपर हेटरोडाइन रिसीवर्स फॉर बोथ केसेस, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ तक हमारा जो एनालॉग कम्युनिकेशन का जो मेन पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया लास्ट टाइम, जो कि बेसिकली हमारा सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन या ए टू डी कन्वर्जन के ऊपर था। और इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, और इसको हमने सेलेक्टिव कवर किया है, हमने पूरा चैप्टर नंबर 6 कवर नहीं किया। तो ऑब्वियसली आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग उन्हीं सेलेक्टिव टॉपिक्स को कवर करेंगे, यू डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स इन दैट चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर और भी बहुत से एस्पेक्ट डिस्कस किए गए हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में हमने इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया था, दैट वॉज सैम्पलिंग एंड द अदर वन वॉज क्वांटाइजेशन। और जो क्वांटाइजेशन वॉज बेसिकली द पीसीएम वी टॉक्ड अबाउट। और फिर पीसीएम के अंदर भी हमने दो वेरियंट डिस्कस किए, दैट वॉज डीपीसीएम एंड देन डेल्टा मॉड्यूलेशन विच इज ए वन बिट डीपीसीएम, ठीक है। और इस डिस्कशन के बाद हम लोग इस स्टेज पे आ गए थे कि हमारे पास एक एनालॉग सिस्टम से हम एक डिजिटल सिस्टम की तरफ हम मूव कर गए। तो ये जो ब्रिज है हमारे पास, दिस इज दिस सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन जो हमें रिक्वायर होती है टू कन्वर्ट एनी एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल, क्योंकि आपके पास जितने भी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं दे ऑल रिक्वायर डिजिटल सिग्नल्स फॉर इट्स प्रोसेसिंग, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 के बाद अब हम जो चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम सिलेक्टिव टॉपिक्स देखेंगे, इट्स बेसिकली द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन। तो हम अब डिजिटल सिस्टम्स के अंदर आ चुके हैं आफ्टर गोइंग थ्रू दिस ट्रांजिशन ऑफ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। अब डिजिटल सिस्टम्स के अंदर हम डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एंड वी विल ओनली गिव अ फोकस टू सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ इट। हम इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको एक इंट्रोडक्शन सा दे देंगे कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप सामने रखते हुए डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन करते हैं, या आपका एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है हाउ इट एक्चुअली वर्क्स आफ्टर यू गेट द डिजिटल डाटा फ्रॉम द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सो दैट विल बी दी स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो लेट मी जस्ट क्लियर ऑल ऑफ इट। ओके, सो दिस इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी ओनली 3 लेक्चर्स प्रॉब्ली, शायद हम क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, तो प्रॉब्ली हम शायद 2 या 3 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे।
और दैट विल कंक्लूड द कोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और उसके बाद नेक्स्ट वीक जो हमारे पास 3 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हम उसके अंदर वी विल ट्राई टू अरेंज सम सॉर्ट ऑफ ट्यूटोरियल्स, और उसके बारे में जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा कि हाउ वी आर गोइंग टू टेक अप दोज 3 लेक्चर्स। ट्यूटोरियल सेशन कैसा होगा वो हम मैं इंशाल्लाह आपसे बाद में डिस्कस कर लूँगा, इंशाल्लाह प्रॉब्ली ऑन फ्राइडे। सो द कॉन्टेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट वी गोइंग टू कवर, नंबर वन वी गोइंग टू इंट्रोड्यूस व्हाट डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर, उनके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। कुछ इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर वन के अंदर, तो हम उनको सिंपली एक ओवरव्यू उनका लेंगे और एज अ कंप्लीट डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इसको एज अ ब्लॉक डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। वी विल ट्राई टू कवर दिस एस्पेक्ट टुडे, और कल हम बात करेंगे लाइन कोडिंग के ऊपर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। लाइन कोडिंग से मतलब वही है जिस तरह हमने एनालॉग एंड डिजिटल कन्वर्जन की जब बात की थी, तो हमने कहा था कि हमारा क्वांटाइजर हमें बिट्स की फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जो लाइन कोडिंग है दैट एक्चुअली प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक शेप टू टू दिस बाइनरी इंफॉर्मेशन। वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल 1 जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 वोल्ट फॉर दिस मच ड्यूरेशन, और 0 इज रिप्लेस बाय फॉर एग्जाम्पल नो वोल्टेज 0 वोल्टेज फॉर द सेम ड्यूरेशन। तो ये जो सेम ड्यूरेशन है दिस इज योर बिट टाइम, और जो वोल्टेज है इट एक्चुअली डिफाइंस वेदर इट इज 1 और 0। सो आपके पास इस वेवफॉर्म के परस्पेक्टिव से यू आर गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ वेवफॉर्म। सो इट्स गोइंग टू बी 1 0 1 1 0 1 1। तो ये जो हमने शेप या ये जो वेवफॉर्म हमने यूज की टू रिप्रेजेंट दिस बाइनरी इंफॉर्मेशन, दिस इज बेसिकली अ लाइन कोड। के रिसीवर साइड पे जब मैं मुझे जब ये वोल्टेजेस मिलेंगे, इफ आई गेट अ 5 वोल्ट तो मैं कहूंगा दिस इज एक्चुअली अ 1, एंड इफ आई गेट अ 0 वोल्ट आई विल गेट आई विल से दिस इज अ 0। सो इन फ्रॉम दिस वेवफॉर्म आई विल गेट माय बाइनरी इंफॉर्मेशन बैक। सो दिस इज बेसिकली लाइन कोडिंग, और इसमें जो मुख्तलिफ किस्म की लाइन कोडिंग्स हैं हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट दीज लाइन कोडिंग्स प्रॉपरली टुमारो। और लास्टली वी गोइंग टू टॉक अबाउट डिजिटल रिसीवर्स एंड रीजनरेटिव रिपीटर्स। तो हम इसके बाद बात करेंगे डिजिटल रिसीवर्स की, और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि रीजनरेटिव रिपीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनके क्या यू कैन से पैरामीटर्स हैं और किस तरह इनको डिफाइन आप कर सकते हैं। तो वी विल प्रॉब्ली फिनिश आवर कोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। वी टॉक अबाउट द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स। सो डिजिटल कम्युनिकेशन इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन वेयर द इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड डिजिटली एज डिस्क्रीट सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर टू द एप्लीकेंट टू द रिसिपिएंट। तो अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन का मोड है उसके अंदर हम जो डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं, नॉट कंटिन्यूस, डिस्क्रीट सिग्नल्स को हम डिजिटली इनकोड करते हैं और उन सिग्नल्स को हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर का मतलब ये है कि आप उनको वोल्टेजेस की फॉर्म में 5 वोल्ट या 0 वोल्ट की फॉर्म में हम उनको आप ट्रांसमिट कर रहे हैं टूवर्ड्स द रिसिपियंट। सो डिजिटल कम्युनिकेशन कवर्स अ ब्रॉड एरिया ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक्स इंक्लूडिंग डिजिटल ट्रांसमिशन एंड डिजिटल रेडियो। क्या आप में से किसी को ऑलरेडी डिफरेंस पता है डिजिटल ट्रांसमिशन और डिजिटल रेडियो के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है? जी एनीवन? सर नहीं। सर रेडियो में लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है और वो पहले से एक सेव और इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। नॉट रियली। रेडियो जो है ना, रेडियो की टर्म यूज होती है वायरलेस के केस में। हम कहते हैं ना हमारा जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, रेडियो का मतलब ये होता है कि आपके पास जो सिग्नल है वो बेसिकली वायरलेसली ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन जब हम डिजिटल ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट वायर्ड ट्रांसमिशन। वायर्ड ट्रांसमिशन से मुराद एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि आपका एक कंप्यूटर है वो एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है थ्रू अ वायर। अब एक कंप्यूटर जो है ये, फॉर एग्जाम्पल दिस इज यूजर 1 एंड दिस इज यूजर 2, ये आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे होंगे थ्रू दिस लैन केबल, तो इस लैन के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिटली ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रांसमिशन हो रही है दिस इज वायर्ड इन नेचर। लेकिन हमारे पास एक डिजिटल ट्रांसमिशन वायरलेसली भी हो सकती है,
ठीक है, जिस तरह आपके पास आजकल जितने भी आपके कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, आपके जो मोबाइल फोन्स हैं, दे ऑल आर डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, नॉट ब्रॉडकास्टिंग बट कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो अब हो क्या रहा है, डिजिटल रेडियो और डिजिटल ट्रांसमिशन में क्या फ़र्क है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर, इट एक्चुअली कीप्स इट सेल्फ इन द डिजिटल फॉर्म, लेकिन डिजिटल रेडियो में हमें ये पता है कि यू कैन नॉट एक्चुअली ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन एज वन एंड जीरोस वायरलेसली। वायरलेस डाटा जब भी ट्रांसमिट होगा, इट विल ऑलवेज बी एनालॉग इन नेचर। जो भी आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होता है, इट 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 मस्ट बी एनालॉग सिग्नल, उसकी कोई ना कोई एक एनालॉग की फॉर्म होगी, लाइक दिस, इट कैन नेवर बी लाइक दिस, ठीक है। तो जो डिजिटल रेडियो होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है, वेयर द इंफॉर्मेशन इज लाइक दिस, कि आपने 10 10 10 से आपने ये बाइनरी इंफॉर्मेशन निकाली है, जो ये लाइन कोडिंग की, इस लाइन कोड से आप दोबारा एक वेव फॉर्म जनरेट करते हैं इस तरह की, और इस वेव फॉर्म को आप ट्रांसमिट करते हैं टूवर्ड्स द रिसीवर, क्योंकि आपके जो एंटेनाज हैं, दे कैन ट्रांसमिट अ सिग्नल लाइक दिस, इट कैन नॉट ट्रांसमिट सिग्नल्स लाइक दिस, यू कैन ट्रांसमिट दिस सिग्नल ओनली थ्रू अ वायर्ड मीडियम। तो जब आप ये एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे, रिसीवर पे जो एंटेना होगा, इट विल रिसीव दिस काइंड ऑफ एनालॉग सिग्नल, और आपका जो रिसीवर है, इट विल प्रोसेस दिस एनालॉग सिग्नल एंड इट विल एक्सट्रैक्ट दिस सिग्नल बैक फ्रॉम दिस एनालॉग फॉर्म। और इसकी एक छोटी सी एग्जांपल क्या हो सकती है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये इन्फॉर्मेशन है 1010, ये इन्फॉर्मेशन है जो आपने ट्रांसमिट करनी है। द वन ऑफ द इजिएस्ट वे इज कि आपके पास ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आपका जो डिजिटल ट्रांसमीटर है वो ये कर सकता है कि 0 को रिप्रेजेंट कर दे कॉज ऑफ 2πfct से, एक कॉज का सिग्नल ले जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ सी है, तो इस ड्यूरेशन के लिए वो एक कॉज का सिग्नल जो है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सिग्नल है कॉज का, वो ट्रांसमिट करें, और 1 के लिए वो साइन ऑफ 2πfct का सिग्नल ट्रांसमिट करें। तो यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा, एंड देन यू विल हैव अ डिफरेंट सिग्नल, देन यू हैव अ कॉज सिग्नल, देन यू हैव अ साइन सिग्नल, देन यू हैव अ कॉज सिग्नल, एंड यू हैव अ साइन सिग्नल। अब रिसीवर साइड पे क्या होगा कि जब आपको ये कॉज और साइन की वेवफॉर्म मिल रही होगी, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक फेज लॉक लूप लेके आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको बिट ड्यूरेशन का तो पता है कि आपकी जो डाटा रेट है वो कितने, आपका डाटा रेट कितना है बेसिकली, आप उतनी ड्यूरेशन के लिए आप जो साइकिल्स आपको मिल रहे हैं आप उनका फेज फाइंड आउट करें। अगर आपको फेज जीरो मिलता है तो आप कहेंगे ये जीरो बिट थी, और आपके पास जब अगले बिट ड्यूरेशन के अंदर आपको फेज 90 डिग्री मिलता है तो आप कहेंगे ये 1 इन्फॉर्मेशन थी। तो यू कैन इजीली ट्रांसमिट बाइनरी डाटा इन द फॉर्म ऑफ वेवफॉर्म्स, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो इशू आता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट इशू है, वो ये कि आपका जो रिसीवर है, इट मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड विद योर इन्फॉर्मेशन। उसको पता होना चाहिए कि ये बाइनरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। जब उसको स्टार्ट टाइम पता होगा, तब उसे पता है कि मैंने इतनी देर तक जो साइकिल्स हैं उनको लेना है फॉर डिटर्मिनिंग वेदर इट वॉज अ 1 और अ 0। सो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हम आगे जाके जब लाइन कोडिंग को डिस्कस करेंगे, वी विल सी के कुछ ऐसे लाइन कोड्स हैं, दे कैन एक्चुअली प्रोवाइड यू ऑटो सिंक्रोनाइजेशन। उन वेव फॉर्म से ही आपको पता चल जाता है कि आपके पास ये जो है जो आपके पास सिंक्रोनाइजेशन है वो कैसे हो सकती है खुद बहुत ही, ठीक है। लेट मी क्लियर ऑल ऑफ इट। सो तो ये दो हमारे पास मेथड्स हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन और डिजिटल रेडियो। लेट मी क्विकली टेक दी अटेंडेंस। डिजिटल ट्रांसमिशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल पल्सेस, जो आपके पास 1010 की पल्सेस हैं, बिटवीन टू और मोर पॉइंट्स इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम, जिस तरह हमने भी एक कंप्यूटर की बात की थी। डिजिटल रेडियो इज द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेटेड एनालॉग कैरियर्स। तो आपके पास जो एनालॉग कैरियर्स हैं, जिस तरह हमने बात की कॉज ऑफ 2πfct, एक ये एनालॉग कैरियर है,
साइन ऑफ 2 पाई एफ सी टी, दिस कैन ऑल्सो बी एनालॉग कैरियर। आप इन एनालॉग कैरियर को डिजिटली मॉड्यूलेट करते हैं कि वन और जीरोस की मदद से आप इन कैरियर्स को मॉड्यूलेट करते हैं, यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन को इन कैरियर्स के जरिए आप ट्रांसमिट करते हैं बिटवीन टू और मोर पॉइंट्स इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स। तो हम एक डिजिटल कम्युनिकेशन को इस तरह के एक ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर व्हेन यू हैव अ मैसेज सिग्नल इट विल ऑलवेज बी एम ऑफ टी, इट मींस इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, जब भी हम एम ऑफ टी की बात करेंगे इट मींस द सिग्नल इज कंटिन्यूअस, एनालॉग सिग्नल है ये। अगर हम एम ऑफ के की बात करें तो इसका मतलब हम डिस्क्रीट सैंपल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा। तो हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है वो एनालॉग फॉर्म में है, तो हमारा जो सोर्स एनकोडर है, दिस सोर्स एनकोडर कंसिस्ट ऑफ द ए टू डी कन्वर्जन। ठीक है, सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन, और ए टू डी कन्वर्जन करने के बाद आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो 101101 इस तरह बाइनरी फॉर्म में हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप पहला जो काम करते हैं वो आप करते हैं बेस बैंड मॉड्यूलेशन। बेस बैंड मॉड्यूलेशन मतलब है कि जब आपके पास बेस बैंड इन्फॉर्मेशन है, जैसा ये बेस बैंड सिग्नल है आपके पास, जिसे आप मैसेज सिग्नल भी कहते हैं, डिजिटल फॉर्म में भी दिस इज अवर बेस बैंड सिग्नल। ठीक है, इस बेस बैंड सिग्नल को हम लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लाइन कोडिंग कहते हैं, जो हम यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो हेयर यू कैन सी कि हमने जिस किस्म का लाइन कोड यूज किया है उसमें हमने वन को रिप्रेजेंट कर दिया इस पॉजिटिव पल्स के साथ और जीरो को रिप्रेजेंट कर दिया एक नेगेटिव पल्स के साथ। इसी तरह वन वन है तो ये दो पल्सेज जो हैं ये वन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, फिर आपके पास जीरो है, फिर वन है, फिर जीरो है। तो आपने एक लाइन कोड की मदद से अपने उस बाइनरी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आप डिजिटल ट्रांसमिशन कर रहे हैं या आप डिजिटल रेडियो सिस्टम को ये सिग्नल दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये एग्जांपल ली हुई है ये वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की है, तो हम उस केस में क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो बाइनरी जो सॉरी लाइन कोड हमारे पास आया इसको हम एक डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन प्रोसेस से गुजारेंगे, जहाँ पे इस बाइनरी इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट से हमारे पास यहाँ पे एक एनालॉग सिग्नल जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, और फिर हमारे पास ये सिग्नल तो एक यूजर से है, दिस इज फ्रॉम से यूजर वन। अब हमारे पास और भी सिग्नल्स हो सकते हैं जो मल्टीपल डिफरेंट यूजर्स की तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, हम उन सारे सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स कर देते हैं, यानी मिक्स कर देते हैं। तो हमारे पास वी हैव टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वी हैव फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वी हैव कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। हमारे पास ये सारे स्कीम्स हैं जिनकी मदद से हम मल्टीपल सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं, हम उनको मिक्स कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्स डाटा हमें मिलेगा हम उस एनालॉग सिग्नल को चैनल में से गुजारेंगे। ठीक है, और चैनल से गुजारने के बाद हमारे पास एक एडिशनल ब्लॉक हो सकता है बिफोर अवर रिसीवर, एंड दैट इज अ रीजनरेटिव रिपीटर। और रीजनरेटिव रिपीटर का मतलब क्या है, ये आपको अगर याद हो हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि अगर आपका ट्रांसमीटर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ट्रांसमीटर एंड दिस इज योर रिसीवर, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है एंड यू वॉन्ट टू ट्रांसमिट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, तो आप डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने सिस्टम इस पूरी लाइन इस मीडियम के बीच में यू कैन एक्चुअली हैव अ रीजनरेटिव रिपीटर्स एट सर्टन डिस्टेंसेस। अब ये रीजनरेटिव रिपीटर क्या है, बेसिकली इसके अंदर रिसीवर और ट्रांसमीटर ये बिल्ट इन है दोनों मॉड्यूल्स जो है, तो दिस इज अ RX एंड दिस इज अ TX। तो ये आपका जो ट्रांसमीटर है ये जो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा ये पहले ये रीजनरेटिव रिपीटर उसको रिसीव करेगा, रिसीवर का प्रोसेस दोबारा उस सिग्नल को बेस बैंड के अंदर लेके जाएगा, सारा रिसीवर का प्रोसेस होगा और उस बेस बैंड सिग्नल को फिर दोबारा आप ट्रांसमिट करेंगे जिस तरह आपके ट्रांसमीटर ने उसको ट्रांसमिट किया था, एंड देन ये सिग्नल फिर RX को मिलेगा नेक्स्ट आपका जो रिपीटर है उसको, वो उस RX वो रिसीवर जो है उसको दोबारा बेस बैंड में कन्वर्ट करेगा, यानी कि सारे रिसीवर के प्रोसेसेस होंगे एंड देन उस बेस बैंड सिग्नल को दोबारा वो ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, एंड अगेन वो इन्फॉर्मेशन आपके रिसीवर तक मिल जाएगी। सो इन बिटवीन योर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर यू कैन हैव दीज रिपीटर्स। जो रीजनरेटिव रिपीटर है वो क्या करता है, वो ये वाला प्रोसेस है जो हम बात करेंगे, वो रीजनरेट करता है आपकी इन्फॉर्मेशन को। मिसाल के तौर पे कि अगर आपने बाइनरी इन्फॉर्मेशन भेजी, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास इन्फॉर्मेशन थी, चैनल से गुजरने के बाद आपका जो रिपीटर इस सिग्नल को रिसीव करता है ऑब्वियसली वो डिस्टॉर्टेड होगा, मे बी हमारे पास उसकी शेप इस तरह की हमें रिसीव होती है डिस्टॉर्टेड सी। लेकिन चूंकि हमें पता है कि बाइनरी इन्फॉर्मेशन की ये खसूसियत है कि इसके अंदर एक किस्म की ऑटो हीलिंग की कैपेबिलिटी है कि जस्ट बाय
द लुक ऑफ द इंफॉर्मेशन, यू कैन एस्टिमेट कि आपके पास ये जो बिट है ये वन है, ये जीरो है, ये वन है, ये जीरो है, ये वन है. एंड वंस यू डिकोड दिस थिंग, तो आपका जो रीजनरेटिव रिपीटर है इस इंफॉर्मेशन से दोबारा एक फ्रेश कॉपी ऑफ द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो है वो एस्टिमेट कर सकता है या वो रीजनरेट कर सकता है फ्रॉम द रिसीव्ड सिग्नल. सो दिस इज माई एक्चुअल रिसीव्ड सिग्नल एंड यू कैन रीजनरेट द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन एट इट्स एंड. बाय डूइंग सो आप फिर इस प्योर जो आपके पास ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है इसको दोबारा मॉड्यूलेट करके दोबारा आगे पास ऑन कर देते हैं. तो दिस इज द पर्पस ऑफ ए रीजनरेटिव रिपीटर. ओके, सो ये आपका जो मैसेज सिग्नल है इस सारे प्रोसेस से गुजर के अल्टीमेटली इट रिसीव्स द एट द रिसीवर साइड. द सोर्स इंफॉर्मेशन कैन बी एनालॉग और डिजिटल. तो ये जो आपका सोर्स है ये आपके पास एनालॉग भी हो सकता है और ये डिजिटल भी हो सकता है. अगर हम डिजिटल की बात करेंगे तो वी आर एक्चुअली एट दिस पॉइंट, आपको ये सोर्स एनकोडर की जरूरत नहीं है. अगर आपका जो सोर्स है वो एक डिजिटल सिस्टम है, जैसे आपका कंप्यूटर है या फैक्स है, ये सारे डिजिटल डाटा जनरेट करते हैं. लेकिन अगर आपका सोर्स एक एनालॉग है, जिस तरह कोई ऑडियो है, कोई वीडियो सिग्नल है, ये सारे एनालॉग सिग्नल जनरेट कर रहे हो, तो इस केस में यू नीड अ सोर्स एनकोडर. सो द सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स कंसिस्टिंग ऑफ वन्स एंड जीरोस, इसको हम सोर्स एनकोडिंग बोलते हैं. आफ्टर सोर्स एनकोडिंग द इंफॉर्मेशन सीक्वेंस इज पास थ्रू द चैनल एनकोडर. ये वो चैनल एनकोडर है जो हमने आपको याद होगा चैप्टर नंबर वन में हमने डिस्कस किया था कि ये आपके सिग्नल में रिडंडेंसी ऐड करता है. सो दैट जब चैनल से आपका डाटा गुजरेगा तो अगर उसके अंदर कोई इशू आता है, कोई बिट वन या जीरो हो जाती है, जीरो से वन हो जाती है, तो आपका जो चैनल डिकोडर है वो उस रिडंडेंसी को यूज करके आपकी उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता है. तो आपके मुख्तलिफ किस्म के कोड्स होते हैं जिनको हम एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड कहते हैं. एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स, ठीक है. कुछ कोड्स होते हैं जो सिर्फ एरर को डिटेक्ट करते हैं, कुछ हैं जो एरर को डिटेक्ट भी करते हैं और करेक्ट भी करते हैं. बट इन बोथ केसेस ये जो इनकोडर्स हैं दे ऐड रिडंडेंसी टू योर सिग्नल. सो इट ऐड रिडंडेंसी इन द बाइनरी इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड एट द रिसीवर टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड इंटरफेरेंस एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन थ्रू द चैनल. तो इन चैनल इनकोडर्स का सिर्फ मेन पर्पज ये होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन एरर फ्री जो है वो ट्रांसमिट हो जाए टू द रिसीवर आफ्टर पासिंग थ्रू द चैनल. तो इसको हम किस तरह मैयर करते हैं कि हमने कितनी रिडंडेंसी ऐड की. सो अगर आपके पास के बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और आप इस के बिट्स को एन बिट्स पे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो आपकी जो के बिट्स है इनको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सीक्वेंस, और इसको जब आप मैप कर देते हैं एन बिट्स के अंदर इसको हम कहते हैं कोड वर्ड. तो आप मिसाल के तौर पे आपका जो चैनल इनकोडर है, फॉर एग्जांपल ये एक चैनल इनकोडर है, इसकी इनपुट पे हम के बिट्स लेंगे और इसकी आउटपुट पे हमें एन बिट्स मिल रही होंगी. मीन्स कि हम फॉर एग्जांपल चार बिट्स का एक ब्लॉक लेते हैं, हम कहते हैं ये चार ब्लॉक बिट्स की जगह हमें आउटपुट पे छह बिट्स मिल रही हैं. ये चैनल इनकोडर ने कुछ काम किया. वो चैनल इनकोडर्स क्या होते हैं, हमारे पास ब्लॉक कोड्स हैं, हमारे पास कन्वोल्यूशन कोड्स हैं, रीड सॉल्वमन कोड्स हैं, बेशुमार इस तरह के कोड्स हैं जो कि चैनल इनकोडर्स की तरह यूज होते हैं. उनका काम है एक खास किस्म की रिडंडेंसी ऐड करना. और रिडंडेंसी क्या है कि हर चार बिट्स के लिए वो छह बिट्स जनरेट कर रहे हैं, या आपके पास हर एक बिट के लिए वो दो बिट्स जनरेट कर रहे हैं, या हर तीन बिट्स के लिए वो चार बिट्स जनरेट कर रहा है. ये डिपेंड करता है कि आपका चैनल इनकोडर किस किस्म का है, ठीक है. तो ये जो आपने के बिट्स ली हैं उसको इनकोड करने के लिए, इसको हम इंफॉर्मेशन सीक्वेंस कहते हैं या इंफॉर्मेशन बिट्स कहते हैं. और जो हमारे पास आउटपुट पे जो कोड हमें मिल रहा है उसे हम कोड वर्ड बोलते हैं जो कि ये चैनल इनकोडर जनरेट कर रहा है. अब रिसीवर साइड पे आपको आप हर चार बिट्स के अगेंस्ट तीन बिट्स को जनरेट करेंगे यूजिंग चैनल डिकोडर. अब चैनल डिकोडर इन चार बिट्स को लेगा और इसके अंदर जो रिडंडेंसी है उसको यूज करते हुए उस एरर को ओवरकम करने की कोशिश करेगा जो कि चैनल की वजह से इंट्रोड्यूस हो सकती है, और इन चार बिट्स की अगेंस्ट वो उन ओरिजिनल तीन बिट्स को जनरेट करेगा जो कि आपकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है. सो द अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस्ड इज मेजर्ड बाय द रेशियो एन बाय के. तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने आपके इस चैनल इनकोडर ने कितनी रिडंडेंसी ऐड की है, तो हम इस रेशो से हम वो डिटरमिन करते हैं.
कि आपने अगर 3 बिट इनपुट पे दी और 4 बिट मुझे आउटपुट पे मिल रही हैं, तो मैं कहूँगा ये 4/3 इसका जो है रिडंडेंसी है, कि हर 3 बिट के अगेंस्ट आप 4 बिट जनरेट कर रहे हैं, तो हम उसको एन बाई के से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसका रेसिप्रोकल होता है के बाय एन, इसको हम कहते हैं कोड रेट। कोड रेट से मुराद ये है कि आपका ये जो चैनल इनकोडर है, ये इसका एक डिज़ाइन पैरामीटर है या इसकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, कि मैं अगर कोई चैनल इनकोडर यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि यार इस चैनल इनकोडर का कोड रेट क्या है। तो अगर आप कहीं पे कोई इस तरह का ब्लॉक देखेंगे, ये फॉर एग्जाम्पल एक कन्वोल्यूशनल इनकोडर का ब्लॉक है, या ये ब्लॉक रीड सॉलोमन का है, या ब्लॉक कोड का है, तो उसके साथ एक कोड रेट दिया हुआ होगा, वो इस तरह का होगा 3/4, 1/2, से 5/7, इस तरह का एक कोड रेट दिया हुआ होगा। इस कोड रेट को देख के आप बता सकते हैं कि ये चैनल इनकोडर किस तरह डिजाइन हुआ हुआ है। तो हमें पता है कि इसकी जो ये फॉर्मेट होता है, इट इज के बाय एन, मीन्स कि जो न्यूमरेटर में वैल्यू है, इट शोज कि आपकी कितनी इंफॉर्मेशन बिट्स के अगेंस्ट कितनी कोड बिट्स जो है वो जनरेट होंगी। अब आप कोई मुझे बता सकता है कि 1/2 ज्यादा रिडंडेंसी ऐड कर रहा है या 5/7 ज्यादा रिडंडेंसी ऐड कर रहा है? सर 1/2 1/2 ज्यादा रिडंडेंसी ऐड कर रहा है, क्यों? सर, वो 1 बिट के बदले में 2 बिट जनरेट कर रहा है, जबकि 5/7 5 के बदले में 7, लाइक वो 5 के होते हुए सिर्फ 2 बिट जनरेट कर रहा है और दूसरा 1 के होते हुए 1 कर रहा है, यानी डबल कर रहा है। यस। तो जो कोड रेट होता है, इसको देख के आप बता सकते हैं कि ये कोडर ज्यादा रिडंडेंसी ऐड कर रहा है या ये दूसरा कोडर जो है वो रिडंडेंसी ऐड कर रहा है। मिसाल के तौर पे आपके पास टोटल डाटा जो है वो से 10 बिट्स हैं, टोटल डाटा। अब 10 बिट्स को अगर आप एक 1/2 इनकोडर से गुजारेंगे तो कितनी बिट्स जनरेट होंगी? 20 20 बिट्स जनरेट होंगी। और यही 10 बिट्स अगर मैं एक 5/7 इनकोडर को दूंगा तो कितनी बिट्स जनरेट होंगी? 14 14 बिट्स, ठीक है। और हमें ये पता है जो हमने शुरू में बात की कि जितनी ज्यादा रिडंडेंसी आप ऐड करेंगे उतना ज्यादा वो सिस्टम अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आप इससे ये चीज अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन क्या कहते हैं चैनल इनकोडर्स का कोड रेट ज्यादा होता है, उनका कोडिंग गेन भी ज्यादा होता है, यानी कि वो ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं रिसीवर साइड पे। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि आप चूंकि रिडंडेंसी इतनी ज्यादा ऐड कर चुके हैं, आपकी जो ट्रांसमिशन वो है एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी से मुराद क्या है, हमें तो असल इंफॉर्मेशन 10 बिट्स भेजनी है, बाकी 10 बिट्स जो हैं वो तो रिडंडेंट हैं, उनकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास अगर चैनल कैपेसिटी थी से 1000 बिट्स पर सेकेंड पर हर्ट्ज, तो असल जो इंफॉर्मेशन मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ वो तो सिर्फ 500 बिट्स पर सेकेंड पर हर्ट्ज है, यानी कि मेरी तो ट्रांसमिशन जो कैपेसिटी है चैनल की वो तो हाफ हो गई, क्योंकि हाफ पे तो मैं अपनी रिडंडेंसी को ट्रांसमिट कर रहा हूँ। लेकिन इसका मुझे फायदा क्या होगा कि जो 500 बिट्स पर सेकेंड में ट्रांसमिट कर रहा हूँ उसको एरर फ्री बनाने में मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो कोड रेट मैंने यूज किया वो बहुत हाई है, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है वो इजीली रिकवरेबल होगी कंपेयर टू एक लो कोड रेट के अगर आपको चैनल एनकोडर यूज करें। लेकिन उस केस में फायदा क्या होगा कि आपकी जो ट्रांसमिशन बैंडविथ है वो बेटर ज्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है, क्योंकि आपने जो रिडंडेंसी है वो थोड़ी ऐड की है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में ये ट्रेड ऑफ ही होते हैं, क्या आपको ट्रांसमिशन एफिशिएंसी चाहिए या आपको रिलायबिलिटी चाहिए। अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए तो फिर आप हाई कोड रेट यूज करेंगे, लेकिन फिर आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन कम ट्रांसमिट कर रहे हैं, आप रिडंडेंसी भी ज्यादा ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है। तो ये जो कोड रेट का एक्सप्रेशन है के बाय एन, ये डिटरमिन करता है कि हाउ गुड दी चैनल इनकोडर इज, ठीक है। सो डिजिटल मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर में क्या होता है, बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, द बाइनरी सीक्वेंस अब जो मेरे पास आया आफ्टर द चैनल इनकोडर, जो कि जिसके अंदर अब रिडंडेंसी ऐड हो चुकी है, हम उस बाइनरी सीक्वेंस को एक डिजिटल मॉड्यूलेटर को पास करते हैं, क्योंकि अभी अब यानी
जब आपके पास सीक्वेंस 101011 की फॉर्म में था, आपने उसको एक चैनल इनकोडर से गुजारा, तो अभी भी इन्फॉर्मेशन 101011 इसी फॉर्म में ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे अगर आपके पास k बिट्स थी, अब आपके पास n बिट्स है, ठीक है। अब इन बाइनरी बिट्स को, ये जो मेरे पास आई हुई है, मैं एक डिजिटल मॉड्यूलेटर को पास करता हूँ, क्योंकि मैंने अब इस बाइनरी इंफॉर्मेशन को एनालॉग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वायरलेस ट्रांसमिशन, ये बात आप बिल्कुल कहते ना पल्ले से बांध लें, कि जब भी आप वायरलेस ट्रांसमिशन करेंगे, जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, इट विल ऑलवेज बी एनालॉग, ठीक है। तो अगर आप एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी एक डिजिटल मॉड्यूलेटर होगा, जो कि आपके डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। और जो एनालॉग मॉड्यूलेटर्स हैं, वो तो डाटा भी एनालॉग होता है, वो मॉड्यूलेट करने के बाद भी एक एनालॉग सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका जो डिजिटल मॉड्यूलेटर का जो ब्लॉक है, वो आपके डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, सो दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर वायरलेस चैनल। सो दिस डिजिटल मॉड्यूलेटर टर्न कन्वर्ट्स द सीक्वेंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू बी ट्रांसमिटेड ऑन द चैनल। सो अ डिजिटल मॉड्यूलेटर मैप्स द बाइनरी सीक्वेंस इनटू सिग्नल वेवफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल, 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन एंड 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉस। तो अगर आपके पास, जिस तरह हमने पहले बात की, ये अगर सीक्वेंस था, तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल कॉस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉस का सिग्नल है, और आगे जीरो के लिए साइन है, तो यहाँ पे ये आपके पास 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा, और फिर आप यहाँ पे ये सिग्नल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पहुँचने के बाद फिर आप 1 पे आ जाएंगे, और फिर 1 से आप आगे चलेंगे। तो दिस काइंड ऑफ सिग्नल इज बेसिकली एन एनालॉग सिग्नल दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर बाइनरी सीक्वेंस। इस किस्म की वेवफॉर्म्स को हम बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग कहते हैं, BPSK। क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है कि आप बाइनरी डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं बाय यूजिंग फेज शिफ्ट कीइंग। तो अगर हम देखें बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये हम फेज को शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो हमारे पास जहाँ पे ट्रांजिशन आ रही हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है, तो इसको बोलते हैं बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। इसी तरह हमारे पास और भी डिजिटल मॉड्यूलेशन के टेक्निक्स हैं। BPSK में आप क्या करते हैं कि एक बिट को एक वेवफॉर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आपके पास QPSK होता है, जिसे हम क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग कहते हैं। इसमें हम दो बिट्स को एक वेवफॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपके पास 8PSK होता है, जिसमें आप 3 बिट्स को यूज करते हैं। फिर आपके पास 16PSK एक स्कीम है, जिसमें 4 बिट्स को यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह 16 के बाद 32, 64, ये सारे PSKs आपके पास हैं। फिर इसी तरह आपके पास क्वाम की भी वेवफॉर्म्स हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल 2PSK की देता हूँ, सॉरी QPSK की देता हूँ। 2 बिट्स में क्या होगा कि आपके पास ये बाइनरी सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल, तो पहले केस में हम क्या कर रहे थे कि 0 वाज ट्रांसमिटेड एज कॉस और 1 वाज ट्रांसमिटेड एज साइन, ठीक है। 2 बिट्स के फॉर्म में क्या होगा कि हम दो दो बिट्स को कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये सीक्वेंस है 0 1 0 1 1 0 0 1, तो मैं दो दो बिट्स के सेट बना लूंगा। ये भी से 0 है, तो अब ये जो एक मेरे पास सीक्वेंस है, उसको मैं एक कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो अब मेरे पास टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं, लेट मी क्लियर ऑल ऑफ इट। तो अगर मेरे पास सीक्वेंस है 4 सर जी, सॉरी दिस इज 1 0 1 1 0 0 1 1, तो मेरे पास एक सीक्वेंस ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक ये है, ये टोटल पॉसिबिलिटीज मेरे पास कितनी है, 4, जो कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को मैं 4 डिफरेंट वेवफॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और इस तरह की जो वेवफॉर्म्स होती हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉन्स्टेलेशन डायग्राम यूज करते हैं। कि मेरे पास ये एक कॉन्स्टेलेशन डायग्राम है, जिसमें एक्स एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉस से, और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं साइन से, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैंने 0 0 को ट्रांसमिट करना है, तो मैं ये पॉइंट ट्रांसमिट करूंगा। अगर मैंने 0 1 को ट्रांसमिट करना है, तो मैं ये कॉन्स्टेलेशन पॉइंट यूज करूंगा। अभी कॉन्स्टेलेशन पॉइंट क्या होता है, ये मैं आपको भी बता दूंगा। 1 0 है, तो आपने ये कॉन्स्टेलेशन पॉइंट भेजना है, और 1 1 है, तो आपने ये कॉन्स्टेलेशन पॉइंट भेजना है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 0 0 0 1
1011, तो अगर मैंने ये कॉन्स्टलेशन पॉइंट भेजना है, तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करूँ, ये जो लाइन है, इस कॉन्स्टलेशन पॉइंट को जनरेट करने के लिए मुझे कॉस का कितना कंपोनेंट चाहिए और मुझे साइन का कितना कंपोनेंट चाहिए। सो अगर मैं गौर से देखूं, ये जो कॉन्स्टलेशन पॉइंट है इसका फेस कितना है, व्हाट इज द एंगल ओवर हेयर, 45, ये 45 है। तो इसका मतलब है कि मैं ये सिग्नल अगर मैं ट्रांसमिट करूं, अगर मैं कॉस ऑफ 45 ये वाला कंपोनेंट, और ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो 45 प्लस साइन ऑफ 45, इन दोनों को मिला के मेरे पास ये रिजल्टेंट आता है, ये वाला। तो मैं कहूंगा कि ये जो सिग्नल है वो इससे रिप्रेजेंट होगा। अब अगर ये जो कंपोनेंट है इसको जनरेट करने के लिए ये एंगल कितना है, 90 प्लस 45 इज 135, ठीक है। तो मैं कॉस का ये कंपोनेंट, साइन का ये कंपोनेंट, मैं इनको ऐड करूंगा, मेरे पास ये सिग्नल जनरेट हो जाएगा। इसी तरह ये कॉस का कंपोनेंट, ये साइन का कंपोनेंट, लाइकवाइज ये कॉस का कंपोनेंट, ये साइन का कंपोनेंट। तो कॉस और साइन को मिला के मैं इन वेवफॉर्म्स को जनरेट कर रहा हूं। लाइकवाइज अगर यही मेरे पास सीक्वेंस और बढ़ जाता है, अगर ये मेरे पास सीक्वेंस और बढ़ जाता है, तो अब बेसिकली क्या होगा, मेरे पास 8 पॉसिबल कंडीशंस होंगी। अगर मैं 8 PSK की बात करता हूं, तो 0000 0010 0010 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स मेरे पास बनेंगे। अब हर कॉन्स्टलेशन पॉइंट के लिए मैं एक x का कंपोनेंट निकालूंगा, एक मैं y का कंपोनेंट निकालूंगा। इसके लिए ये x का कंपोनेंट होगा, ये y का कंपोनेंट होगा, इसके लिए ये x का कंपोनेंट होगा, ये y का कंपोनेंट होगा। लाइकवाइज जैसे जैसे आप कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे, ये कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स एक दूसरे के करीब भी होते जा रहे हैं, ठीक है। जब जितने ज्यादा ये करीब होते जाएंगे, रिसीवर साइड पे देयर इज अ मोर चांस कि आप इस सीक्वेंस को ये वाला सीक्वेंस समझ लें या इस सीक्वेंस को ये सीक्वेंस समझ लें, क्योंकि इनके बीच में अब डिस्टेंस बहुत कम रह गया है। लेकिन इसके मुकाबले में QPSK में एक सीक्वेंस ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था। अगर आप ये सीक्वेंस ट्रांसमिट कर रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप इस सीक्वेंस को ये वाला सीक्वेंस समझ लें या इस सीक्वेंस को आप ये वाला सीक्वेंस समझ लें, क्योंकि इनके बीच में सेपरेशन जो है वो कितनी सेपरेशन है, 45 डिग्री की सेपरेशन है। इनके बीच में सेपरेशन कितनी है, 22.5 डिग्रीज की। तो जैसे जैसे आप हायर ऑर्डर्स की तरफ जाना शुरू करते हैं, आपके पास सेपरेशन कम होती जाती है। इट इज मोर लाइकली कि रिसीवर साइड पे आपका ये जो कॉन्स्टलेशन पॉइंट था वो हो सकता है यहाँ पे आपको रिसीव हो, बट स्टिल यू कैन सी कि ये इस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो आप कहेंगे कि यार ये यही इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन इस केस में अगर आपका ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिसीव हो गई उतनी ही डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे ये है, तो यू माइट कंसिडर दिस सीक्वेंस एज दिस सीक्वेंस, तो आपके पास एरर आ जाएगा। दैट इज वाई कि आपने किस किस्म का डिजिटल मॉड्यूलेटर यूज करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि चैनल कितना स्वेयर है। अगर चैनल ज्यादा खराब है, वो ज्यादा डिस्टॉर्शन ऐड कर रहा है, तो आप हायर ऑर्डर PSK के ऊपर नहीं जाते, आप लोअर ऑर्डर पे शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि आपके पास एरर कम से कम हो, ठीक है। फिर इसी तरह क्वाम भी, आपके पास मुख्तलिफ डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं, हम इन सब की डिटेल में अभी फिलहाल नहीं जाएंगे, क्योंकि वी आर गोइंग टू लीव दिस फॉर योर नेक्स्ट कोर्स। लेकिन इस किस्म के सीक्वेंसेस हम यूज करके अपनी बाइनरी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सो द सिग्नल वेवफॉर्म इज देन पास थ्रू द चैनल। तो अभी आपके पास जो एनालॉग सिग्नल आपके पास आ गया, आप इसको चैनल से गुजारेंगे। द कम्युनिकेशन चैनल इज द फिजिकल मीडियम दैट इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। आप उस चैनल से उस सिग्नल को गुजार रहे हैं। तो जो डिजिटल डीमॉड्यूलेटर है दूसरे एंड पे, ये दिस इज अ प्रोसेस दैट processes the channel corrupted transmitted waveform and reduces the waveform to the sequence of numbers that represents estimate of the transmitted data symbols. तो जैसे हमने बात की थी कि आपके पास actual information इस तरह का sequence है, receiver side पे आपका जो signal receive होगा, it might be like this, ये जो आपके पास digital demodulator आपको provide करेगा। अब इस waveform से आपने estimate करना है कि आपके पास original information क्या थी।
तो अब इसको देख के मैं इजीली कह सकता हूँ कि ये वन है, ये जीरो है, फिर वन है, फिर जीरो है, फिर वन है, फिर जीरो है। लेकिन अगर आपका चैनल जो है वो ज्यादा स्वेयर है, तो हो सकता है इस इंफॉर्मेशन की जगह आपके पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आ रही हो, जिसको देख के मैं अज्यूम करूँ कि शायद ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये वन है, ये जीरो है, ये वन है, तो मेरी ये इन्फॉर्मेशन बिट जो थी ये करप्ट हो गई है। ठीक है, सो अ लिटिल बिट अबाउट द चैनल। The modulation and coding used in digital communication system depends on the characteristics of the channel. Channel का behavior जो होगा that will define कि आपने कौन सी digital modulation use करनी है और किस किस्म का coding scheme आपने use करनी है। जैसा मैंने बात की BCH code है, Reed-Solomon code है, convolutional code है, block codes है, तो आपने कौन सा code use करना है और कौन सा digital communication के लिए जो आपने digital modulation use करनी है, BPSK, QPSK, QAM, 16 PSK, 16 QAM, कौन सी स्कीम आपने यूज करनी है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और ये आपके कम्युनिकेशन सिस्टम के डिजाइन पैरामीटर्स में आता है। ये इंशाल्लाह जब आप डिजिटल कम्युनिकेशन डिजाइन करना सीखेंगे अगले कोर्स में, उसमें आप देखेंगे कि ये कोडिंग स्कीम्स और मॉड्यूलेशन स्कीम्स आप कैसे सिलेक्ट करते हैं और क्या क्राइटेरिया होता है इसको सिलेक्ट करने का। सो कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेदर द चैनल इज लीनियर और नॉन लीनियर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, ये वही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने शुरू में जब चैनल को डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 में, कि चैनल लीनियर है, चैनल नॉन लीनियर है। ठीक है, इन चीज़ों को सामने रखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी डिजिटल मॉड्यूलेशन और कोडिंग हमने यूज करनी है, एंड हाउ फ्री द चैनल इज फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कितनी उसके अंदर कम है। इन सारी एस्पेक्ट्स को देखते हुए कि इंटरफेरेंस कितनी है, लीनियर है, नॉन लीनियर है चैनल, हम डिसाइड करते हैं अपनी मॉड्यूलेशन स्कीम को और कोडिंग को। So, five channels are considered in digital communication systems. Number one, telephone channels, coaxial cable, optical fiber, or microwave links or satellite links. ये आपके पास five channels हैं जो आप digital communication systems के अंदर consider करते हैं। अब इन सब के अंदर ये जो तीन है ये wired है, और ये जो microwave और satellite links है ये wireless links है। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस चैनल के लिए अपना सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, आप कोडिंग और मॉड्यूलेशन स्कीम्स उसके हिसाब से यूज सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर टेलीफोन चैनल है तो डिफरेंट कोडिंग होगी, कोएक्सियल है डिफरेंट कोडिंग होगी, ऑप्टिकल है डिफरेंट कोडिंग होगी, माइक्रोवेव लिंक है डिफरेंट कोडिंग होगी। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट चैनल डू यू हैव, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज चैनल्स, क्योंकि ये ऑलरेडी वेल टैब्यूलेटेड है कि ऑप्टिकल फाइबर चैनल जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह के हैं, वायरलेस चैनल जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह के हैं। सो बेस्ड अपॉन द चैनल दैट यू आर एक्चुअली डिजाइनिंग योर सिस्टम फॉर, तो उसके हिसाब से आप अपनी कोडिंग स्कीम्स और मॉड्यूलेशन स्कीम्स यूज सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो ये चैनल डिकोडर और सोर्स डिकोडर जो बेसिकली सिस्टम्स हैं, ये क्या चीज़ है, द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट पासिस थ्रू द चैनल डिकोडर। ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, द चैनल डिकोडर अटेम्प्ट्स टू रीकंसीडर, क्योंकि अब हम रिसीवर साइड पे आ गए, वी हैव टू टॉक अबाउट द चैनल डिकोडर एंड वी हैव टू टॉक अबाउट द सोर्स डिकोडर। जैसे हमने चैनल इनकोडर की बात की थी कि वो रिडंडेंसी ऐड करता है। ठीक है, रिडंडेंसी ऐड करने के बाद उसको इस केपेबल इतना केपेबल कर देता है कि आप उसमें से चैनल के इफेक्ट्स को ओवरकम कर सकें। तो रिसीवर साइड पे आपके पास उसका काउंटर पार्ट होगा, दैट इज द चैनल डिकोडर, और चैनल डिकोडर के बाद आपके पास सोर्स डिकोडर होगा जो कि आपकी बाइनरी इंफॉर्मेशन को 1011 की फॉर्म को दोबारा उस प्योर एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा जो आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन थी। सो द चैनल डिकोडर अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सीक्वेंस फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द कोड यूज्ड बाय द चैनल इनकोडर एंड द रिडंडेंसी कंटेन्ड इन द रिसीव्ड डाटा। उस रिडंडेंसी को यूज करके और वो जो कोड आपने यूज किया था उसको यूज करके वो रिकंस्ट्रक्ट करता है ओरिजिनल सीक्वेंस को फ्रॉम द रिसीव्ड सीक्वेंस। सो द एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने शुरू में बात की थी परफॉर्मेंस मीट्रिक की, तो हमने कहा था कि एनालॉग सिस्टम्स जो होते हैं उनको हम फिडेलिटी से मेयर करते हैं और जो डिजिटल सिस्टम्स हैं उनको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर से मेयर करते हैं। तो जो एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर है एट द आउटपुट ऑफ द डिकोडर इज ए मेयर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द डीमोडुलेटर डिकोडर कॉम्बिनेशन। तो जो डीमोडुलेटर और डिकोडर है, यानी फ्रंट एंड पे जो डीमोडुलेटर लगा हुआ है जो कि आपके डिजिटल जो आपके डिजिटल मॉड्यूलेशन को डीमोडुलेट करके आपको जो बाइनरी सीक्वेंस देता है उसको आप एक चैनल डिकोडर से गुजारते हैं, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसकी परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं बिट एरर रेट से।
कि आपका जो डिजिटल डीमॉड्यूलेटर है वो किस तरह का है और जो डिकोडर आप यूज कर रहे हैं वो किस तरह का है, उनका जो कॉम्बिनेशन है दैट एक्चुअली डिफाइंस द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। और फिर जो सोर्स डिकोडर है इट ट्राइज टू रिड्यूस द सीक्वेंस फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द इनकोडेड इनकोडिंग एल्गोरिदम। तो सोर्स डिकोडर क्या करेगा, आपके उस इनकोडिंग एल्गोरिदम में से आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस को रिड्यूस करेगा, सो द अप्रोक्सीमेट रेप्लिका ऑफ द इनपुट सिग्नल एट द ट्रांसमीटर साइड। तो जो ट्रांसमीटर साइड पे आपके पास इनपुट सिग्नल था उसको ये रेप्लीकेट करने की कोशिश करता है, दोबारा रीजनरेट करने की कोशिश करता है। सो फाइनली वी गेट द डिजायर्ड सिग्नल इन द डिजायर्ड फॉर्मेट, दैट इज कि क्या ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन एनालॉग थी या डिजिटल थी यूजिंग एन आउटपुट ट्रांसड्यूसर। तो जो आउटपुट ट्रांसड्यूसर है वो आपकी सिग्नल को ओरिजिनल उस फॉर्म में ले जाएगा जिस फॉर्म में वो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ था, वेदर इट वॉज एनालॉग और वेदर इट वॉज डिजिटल। सो इस सारे प्रोसेस के अंदर सिग्नल डिग्रेडेशन का एक प्रोसेस होता है हमारे पास, और वो सिग्नल डिग्रेडेशन क्या है, ये वही जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके सिग्नल की परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। सो इन डिजिटल कम्युनिकेशन द मेन फैक्टर्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ सिग्नल्स आर, नंबर वन, सिग्नल टू नॉइज रेशो आपकी रिड्यूस हो जाए। सिग्नल टू नॉइज रेशो रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि या तो आपकी सिग्नल पावर रिड्यूस हो गई है यानी कि न्यूमिरेटर कम हो गया है, या आपकी नॉइज पावर बढ़ गई है या आपका डिनोमिनेटर बढ़ गया है। तो इधर सिग्नल पावर रिड्यूस हो जाए या आपके पास नॉइज पावर जो है वो इंक्रीज कर जाए, इस केस में आपके पास जो SNR है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा आपके पास जो इश्यू हो सकता है दैट इज द सिग्नल डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। इंटर सिंबल इंटरफेरेंस से मुराद क्या है, आपको याद होगा जब हमने चैनल करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि सिग्नल डिस्टॉर्शन जो है वो नॉन लीनियर चैनल्स के अंदर, सॉरी लीनियर जो आपके पास चैनल्स है जहाँ पे आपके पास टाइम डोमेन स्प्रेडिंग होती है, तो क्या हो रहा था कि हमारा जो सिग्नल था वो टाइम डोमेन में स्प्रेड हो जाता था, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक लीनियर चैनल है जिसके अंदर टाइम डोमेन स्प्रेडिंग हो रही है, तो हमारे पास जो बाइनरी सीक्वेंस है विच इज लाइक दिस, लीनियर डिस्टॉर्शन की वजह से आपकी ये जो बाइनरी बिट है जिसकी ड्यूरेशन इतनी है, ये बाइनरी ड्यूरेशन स्प्रेड हो जाएगी, इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। ये जो आपके पास बिट है इट विल स्प्रेड लाइक दिस, आगे वाली जो है इट विल स्प्रेड समथिंग लाइक दिस, फिर आपके पास इट विल स्प्रेड समथिंग लाइक दिस। तो जब इनको आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये जो ओवरलैपिंग आ रही है दिस इज द इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, कि एक सिंबल दूसरे सिंबल के अंदर इंटरफेयर कर रहा है बिकॉज ऑफ टाइम डिवीजन स्प्रेडिंग, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ लीनियर डिस्टॉर्शन। तो जो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होती है इसकी वजह से भी आपके पास जो सिग्नल सिस्टम है वो डिग्रेड कर जाता है, क्योंकि अब आपके पास एक इंफॉर्मेशन दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो रही है या इंटरफेयर कर रही है। क्लियर दिस? So the received pulses overlap one another. The tail of one pulse smears into the adjacent symbol interval, causing the loss of data in digital communication. ये वही smearing की बात हो रही है कि spreading की वजह से एक bit जो है वो दूसरी वाली bit जो है उसको affect करेगी। फिर तीसरा फैक्टर जो है वो आपके पास डिस्टेंस है, जिस तरह हमने बात की थी कि जिस तरह हमारा डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाता है ज़्यादा चैनल डिस्टॉर्शन जो है वो आपके सिस्टम को इफेक्ट करना शुरू कर देती है। सो एज द डिस्टेंस इज इंक्रीज देर इज अ ग्रेटर चांस ऑफ सिग्नल डिस्टॉर्शन, क्योंकि चैनल का इफेक्ट आपके सिग्नल के ऊपर उतना ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। सो वेन द डिस्टेंस इज लार्ज वी यूज रिपीटर्स टू एम्पलीफाई द सिग्नल। ये भी हमने बात की थी कि आप सिंपल रिपीटर्स भी यूज कर सकते हैं। सिंपल रिपीटर्स क्या है कि वो जो सिग्नल उसको मिल रहा है, यानी आपका फॉर एग्जाम्पल ट्रांसमीटर साइड से आपने एक सिग्नल ट्रांसमिट किया, जो रिपीटर है वो सिंपली क्या कर रहा है, यहाँ पे वो सिग्नल को रीजनरेट नहीं करता, जो भी उसको मिल रहा है सिग्नल उसको एम्पलीफाई करके ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। लेकिन इस इशू में एक प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कैन एनीवन टेल मी? सर नॉइस एम्पलीफाई हो जाए जी, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसमीटर साइड पे तो हमने सिग्नल एक्स ट्रांसमिट किया था, लेकिन जब ये चैनल से गुजरता है तो हमें जो सिग्नल रिसीव होता है वो हमें मिलता है y इज इक्वल टू एच एक्स प्लस एन।
इसमें चैनल का इफेक्ट भी आ गया और नॉइज इसमें ऐड हो गई। तो अगर मैं खाली उसको एम्पलीफाई कर दूंगा तो सिग्नल तो एम्पलीफाई हो रहा है लेकिन नॉइज भी एम्पलीफाई हो जाएगी। जब नॉइज एम्पलीफाई हो जाएगी तो सिग्नल टू नॉइज रेशो विल बी इफेक्टेड एज वेल। ठीक है, तो असल हमारे पास फायदेमंद चीज क्या है कि हम एक रीजनरेटिव रिपीटर यूज करें इंस्टेड ऑफ अ सिंपल रिपीटर। रीजनरेटिव रिपीटर क्या करेगा, एक्स आप ट्रांसमिट करेंगे, एच एक्स प्लस एन ये रिसीव करेगा, इस एच एक्स प्लस एन में से वो पहले एस्टिमेट करेगा कि एक्स क्या था, नॉइज को रिड्यूस करेगा, चैनल के इफेक्ट्स को रिमूव करेगा बाय यूजिंग एन इक्वलाइजर। तो आप एक्स को एस्टिमेट करेगा और फिर इस एक्स को दोबारा मॉड्यूलेट करके एक्स हैट को ट्रांसमिट करेगा और इस सिग्नल की जो सिग्नल पावर है ये इंप्रूव्ड हो गई है लेकिन इसमें नॉइज का इफेक्ट नहीं होगा। तो रीजनरेटिव रिपीटर्स आर अ मोर सुटेबल ऑप्शन देन अ सिंपल रिपीटर। रिपीटर्स जो है सिंपल रिपीटर्स दे आर यू कैन से लेस कॉस्ट इफेक्टिव, उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि वो सिंपली एक एम्पलीफायर है। लेकिन जो रीजनरेटिव रिपीटर्स है वो पूरा एक रिसीवर मॉड्यूल है और फिर पूरा एक ट्रांसमीटर मॉड्यूल है। ओके, तो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम हम लाइन कोड को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को टेबुलेट किया हुआ है कंपेयर टू एनालॉग सिस्टम्स। सो अगर डिजिटल सिस्टम्स के एडवांटेजेस को देखें, इनएक्सपेंसिव डिजिटल सर्किट्स हैं, प्राइवेसी जो है वो प्रिजर्व होती है इसके अंदर क्योंकि आप इंक्रिप्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैन मर्ज डिफरेंट डाटा ट्रांसमिशन ओवर ए कॉमन डिजिटल ट्रांसमिशन सिस्टम, मल्टीप्लेक्सिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर, एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन आप कर सकते हैं। आपके पास एनालॉग सिस्टम्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इसका जो कंपोनेंट्स है वो एक्सपेंसिव है, प्राइवेसी आपके पास नहीं है, आप मर्ज नहीं कर सकते डाटा को डिफरेंट सोर्सेज के साथ, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आप उनको टाइम या फ्रीक्वेंसी में सेपरेट तो कर सकते हैं लेकिन उनको आप मिक्स नहीं कर सकते जिस तरह आप डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर CDM जो है कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग उसके अंदर आप डाटा दोनों सारे डाटा को मिक्स भी कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर आप नहीं कर सकते। दूसरा, इसके अंदर कोई एरर करेक्शन डिटेक्शन कैपेबिलिटी नहीं है। सो ऑल द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन दे आर डिसएडवांटेजेस इन एनालॉग। और जो डिसएडवांटेजेस हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के वो ये हैं कि इसके लिए आपको बैंडविड्थ ज़्यादा बड़ी चाहिए होती है और दूसरा सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम है। जैसा मैंने आपको बात की थी, यू नीड टू नो वेयर योर बिट इज स्टार्टिंग एंड वेयर योर बिट इज फिनिशिंग क्योंकि आपका सिस्टम सिंक्रोनाइज होगा तभी आप उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये एडवांटेज है एनालॉग का कि इसके लिए बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट रिलेटिवली कम होती है और सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो इतना ज़्यादा नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, सो दिस कंक्लूड आवर टुडेज लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम एनलाइन कोड्स को डिस्कस करेंगे। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस आज के लेक्चर के बारे में? एवरीथिंग इज क्लियर? जी एनीवन? यस सर, जी सर। चले ठीक है, आई विल सी यू गाइज टुमारो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।